अन्यथा चंद गुंडे आके इस तरह से भड़काने वाली बात कर रहे हैं और पुलिस उनको कुछ भी नहीं कर सकती। तो कहां है एनआईए इनकी, कहां है सीबीआई इनकी, कहां है इंटेलिजेंस का, लोकल पुलिस क्या कर रही है? संसद में प्रधानमंत्री से चर्चा की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री संसद में आ नहीं रहे, भाग रहे हैं। ज्ञान व्यापी की घटना पर भी एक बहुत ही गंभीर एक सवाल उस व्यक्ति के खिलाफ खड़ा होता है जो संवैधानिक पद पे है। वो कहता है कि मुसलमानों को अपनी ऐतिहासिक गलती माननी चाहिए और अपने आप पहल करनी चाहिए। इस परिस्थिति ने वाकई देश को जो है बहुत संकट में डाल दिया है और ये बाकायदा सोची समझी साजिश है और चारों इसमें शामिल हैं, और भी होंगे लेकिन चारों, चारों कौन कौन? वर्तमान में जो सरकार है इसने वो स्थिति पैदा की है जिससे देश में लगातार हिंसा की घटनाएं, नफरत की घटनाएं हो रही हैं। उसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। हरियाणा में नुहू आपके सामने है, बल्कि अगर आप देखें तो तीन घटनाएं हुई हैं। मणिपुर सबके सामने ही है, वो लगातार हो रहा है। संसद में प्रधानमंत्री से चर्चा की बात की जा रही है, प्रधानमंत्री संसद में आ नहीं रहे, भाग रहे हैं संसद से। ठीक उसी समय जो घटना हो रही है ज्ञानव्यापी की घटना, ज्ञानव्यापी की घटना पर भी एक बहुत ही गंभीर एक सवाल उस व्यक्ति के खिलाफ खड़ा होता है जो संवैधानिक पद पे है, यानी कि वहां का मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो संविधान की जिसने शपथ ली है, वो कहता है कि मुसलमानों को अपनी ऐतिहासिक गलती माननी चाहिए और अपने आप पहल करनी चाहिए। ज्ञानव्यापी को हिंदुओं को सौंपने की, और अगर उसे ज्ञानव्यापी को मस्जिद कहा जाएगा तो विवाद होगा, मतलब एक धमकाने की भाषा। और संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति, और उस समय जिससे मामला कोर्ट में चल रहा है, और उसके साथ ही अब एक और जो घटना हुई है जो सबको वाकई में बहुत दुख देने वाली घटना है, वो है हरियाणा, हरियाणा के नुहू में। और नुहू के बाद में जो सारी घटना आगे हुई है, जैसे तनाव आपका फरीदाबाद में भी है, गुड़गांव में भी है, आगे पलवल तक पहुंच गया, उधर पानीपत सोनीपत तक पहुंच गया। और देखिए मजेदार बात कि हरियाणा के कई हिस्सों से, हो सकता है और राज्यों से भी लोग आए हों, जिस यात्रा की वो शुरुआत वहां से कर रहे हैं, जिस यात्रा को निकालने की बात कर रहे हैं जल चढ़ाने के लिए, उसमें अलग अलग जगह से लोग आए हुए। तो ये जो गंभीर परिस्थिति है, इस परिस्थिति ने वाकई देश को जो है बहुत संकट में डाल दिया है। और आप तीनों राज्य देखेंगे, मणिपुर हो तो, उत्तर प्रदेश हो तो, हरियाणा हो तो, तीनों राज्यों में राज्य सरकार है भाजपा की और केंद्र में है ही सरकार। तो जहां भी ये सब कुछ हो रहा है, हिंसा जो फैलाई जा रही है, मारकाट जो करी जा रही है, नफरत जो फैलाई जा रही है, देश का माहौल खराब करने की जो कोशिश की जा रही है, यही डबल इंजन की सरकार लगातार ये काम कर रही है। और ये बाकायदा सोची समझी साजिश है और चारों इसमें शामिल हैं, और भी होंगे लेकिन चारों, चारों कौन कौन? आरएसएस इसमें शामिल है, विश्व हिंदू परिषद इसमें शामिल है, और बजरंग दल शामिल है इसमें, और साथ में भारतीय जनता पार्टी, और प्रधानमंत्री खुद इन सब में शामिल है, अपने आप को अलग नहीं कर सकते हैं। 90 दिन से प्रधानमंत्री मणिपुर पर कुछ नहीं बोले, क्या हाल हुआ है आप सब जानते हैं। हरियाणा में घटना हो रही है, प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकला है। क्या उसे रोका नहीं जा सकता था? नुहू में जिस पर्टिकुलर जगह से वो सारी चीजें हुई, वहां पर 3 घंटे तक पुलिस का आता पता नहीं था जिस समय ये घटनाएं हुई। तो कहां थी पुलिस? कौन था पुलिस को रोकने वाला? क्या पुलिस अपने आप वहां से गायब हो गई? ये ऊपर से कोई आदेश था कि भी कुछ होने दो, कुछ करना नहीं। और जो सवाल सामने आ रहे हैं, खुद बीजेपी के सांसद, विधायक और मंत्री ये सवाल उठा रहे हैं कि आप शोभा यात्रा लेके जा रहे हैं, उसमें हथियारों का क्या काम है? और हथियार भी अत्याधुनिक हथियार हैं।
रिवॉल्वर हैं, पिस्टल हैं, राइफल्स हैं, साथ में तलवार तो आम ही हो गई उनके लिए। ये कैसी शोभा यात्रा है? तो ये जानबूझकर इस देश का माहौल खराब करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा, मोदी सरकार द्वारा और राज्यों में भिन्न भिन्न जो बीजेपी की सरकारें हैं उनके द्वारा प्री प्लांड यह सब कुछ किया जा रहा है। और ऐसा लगता है कि जो सतपाल मलिक जी जो पूर्व गवर्नर हैं वो जो बात कह रहे हैं, लगता है इन सब घटनाओं को देखकर कि उनकी बात, एक एक बात उनकी सही साबित होगी। जैसे जैसे चुनाव केंद्र का, लोकसभा का चुनाव पास में आता जा रहा है, और उससे पहले आप जानते हैं चार राज्यों के चुनाव होने हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, उनके चुनाव तो नवंबर दिसंबर में ही होने हैं, और फिर उसके बाद में जो है अप्रैल मई में चुनाव होना है लोकसभा का। तो ये जो सारी चीजें हो रही हैं उस देखते देखते हर जगह ये माहौल हो रहा है। नोएडा में भी एक बड़ी मतलब उसकी वो हुई है, उसके खिलाफ रैली वगैरह हुई है उसके संबंध में। और एक और मजेदार जो बात है कि इसके सिलसिले में आरएसएस कई जगह पर आंदोलन करने की, और यूं कहें कि वो प्रदर्शन करने की अनुमति मांग रहा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये तो प्रशासन का काम है, वो अपना काम करें, प्रशासन यहां किस बात के लिए आया है, पुलिस अपना काम करें। सो 23 जगह के लिए तो केवल दिल्ली में ही आरएसएस कह रहा है प्रदर्शन करने की। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब साफ है कि जब जो जनता के जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं उन पर आप पूरी तरह से फेल हो चुके हो। 3 महीने से मणिपुर में हिंसा चल रही है, संसद में आप जवाब नहीं दे रहे, अविश्वास प्रस्ताव केंद्र सरकार के खिलाफ लाया गया, मोदी सरकार के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट के सामने जो फैक्ट आए हैं, जो सुमोट एक्शन सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, उसमें जिस तरह से केंद्र सरकार, मोदी सरकार एक भी सवाल का जवाब देने में समर्थ नहीं है और पूरी तरह से नंगी हो गई दुनिया के सामने, उन सारी स्थितियों से घिरते हुए तब यह साजिश के तहत यह सब कुछ किया गया है। अन्यथा चंद गुंडे आके इस तरह से भड़काने वाली बात कर रहे हैं और पुलिस उनको कुछ भी नहीं कर सकती। तो कहां है एनआईए इनकी, कहां है सीबीआई इनकी, कहां है इंटेलिजेंस का, लोकल पुलिस क्या कर रही है, ये फौज जो है इनके पास में ये क्या कर रही है? 6 लोगों की मौत हो गई इस हिंसा में बेवजह, जिसका कोई अर्थ नहीं था, 2 होमगार्ड वाले मारे गए। तो हम इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं, हम इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। वहां के लोग लगातार हमारे संपर्क में हैं और हम लोग वहां किस तरह से वहां जाएं, किस तरह का प्लान हो, इस बात पर निर्भर करता है कि जो वहां के साथी हैं, क्योंकि केवल वहां जाके और आप केवल पर्यटन करके आ जाएं उसका कोई अर्थ हम नहीं समझते। आप जानते हैं महमूद भाई ने जिस समय जहां दिल्ली दंगा हुआ था, इन्होंने व्यक्तिगत रूप से जाके पूरी दिल्ली में जहां जहां सब इफेक्टेड लोग थे जाके उनसे बात की, उनकी बातों को सुना, और उसके बाद में जो मुकदमे हैं लगातार हम लोग लड़ रहे हैं। तो हम जाने का मतलब हमारा यह है, अगर हम जाएंगे तो कोई अर्थ है उसका? उनको जो लीगल एड चाहिए वो प्रोवाइड कराएंगे, उनके जो मुकदमे हैं वो उनको लड़ेंगे, और साथ में जो पुलिस की यह गुंडागर्दी है और पुलिस की जो नाकामी है, ये यूं कहें कि पुलिस भी उसी षड्यंत्र में शामिल है, और जिस तरह से अब गांव गांव जाके घर घर से लड़कों को उठा रही है, नौजवान बच्चों को उठा रही है पुलिस, ये सारा सब कुछ रुके, पुलिस की तानाशाही गुंडागर्दी रुके, तो जाएंगे हम लोग वहां से। जब लोग सारी चीजों को समझ के हम लोगों से अप्रोच कर रहे हैं, बात हमारी मानेंगे, देन उसके बाद हम लोग भी वहां पर जाएंगे। इसी सिलसिले में आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, और हमारी हिदायत, हम चेतावनी देना चाहते हैं केंद्र सरकार को और राज्य सरकारों को और विशेषकर आरएसएस को कि ये जो देश का माहौल खराब करने की आप कोशिश कर रहे हैं इसे न करें, इससे किसी का भला होने वाला नहीं है। आज तक हिंसा में कभी किसी का भला नहीं हुआ, और साथ के साथ जो भी वहां पर लोग हैं, मेवात के जितने भी लोग हैं, हालांकि वहां वो ऐसा इलाका है, 1947 में जब देश में कई जगह पर दंगे हुए, मेवात के इलाके में कोई दंगा नहीं हुआ, और 1992 में भी जब बाबरी मस्जिद के बाद में कई जगह वारदातें हुई, वहां तब भी कुछ नहीं हुआ, और वो उस स्थिति में है जबकि वहां की 80% आबादी मुस्लिम आबादी है।
लेकिन लोगों की समझदारी का, लोगों की सहन शक्ति का स्तर इतना है कि वो किसी भी तरह से इस बहकावे में नहीं आते। और इस बार तो केवल उन्होंने नहीं, जो भिन्न भिन्न समाज के लोग हैं, जैसे उकसाने की कोशिश की, और अभी भी आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं किसानों को उकसाया जा रहा है। मोनू मानेसर के नाम के साथ में यादव लगा के उसको कहा जा रहा है कि मोनू यादव मानेसर, मोनू मानेसर यादव करके, मतलब इस तरह से उकसाने की कार्रवाई की जा रही है। बावजूद उसके किसान, वहां के जो लोग हैं, भिन्न भिन्न कम्युनिटी के लोग हैं, वो उकसावे में नहीं आए। और एक तरह से आरएसएस के और बजरंग दल और इनके विश्व हिंदू परिषद के मंसूबों पर पानी वहां की पब्लिक ने फेर दिया है। पर फिर भी ये घटना है, दुखद है। और सोशल मीडिया के माध्यम से जो इनके आईटी सेल के कीड़े हैं, तनखैया कीड़े, ये लगातार जो गंदगी फैला रहे हैं, उससे माहौल कभी भी बिगड़ सकता है। हम इस सब की भर्त्सना करते हैं और उन लोगों से हम उम्मीद अपील करते हैं, वहां के मेवात के लोगों से, किसी भी कीमत पर किसी भी तरह की उकसावे की कार्रवाई में ना आए, शांति बना के रखें ताकि माहौल खराब ना हो, क्योंकि ये यही चाहते हैं। ये उकसावे की कार्रवाई करने के लिए कुछ भी गंदा बोलेंगे, कुछ भी करेंगे, और उसके बाद आप जानते हैं माहौल खराब होगा, तो उसका फायदा इन्हीं को मिलेगा। ये वही लेना चाहते हैं, वही करना चाहते हैं।